क्या जबरदस्त है। Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. I'm going to talk about the gun that is thankful you between 1911. और इसके अंदर हम बताने वाले हैं सारी डिटेल्स, और अगर आप YouTube पे में देख रहे हैं तो hey guys, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पहली बात गाइस, जब भी आपको गन मिलता है ऐसे बॉक्स में मिलता है, चांसेस है कि बॉक्स साइड से फटा होगा, निकला होगा, क्योंकि बाहर से आता है एंड यू नो चेक वेक होता है तो थोड़ा सा यू नो हो जाता है। तो आपके पास जो गन है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का गन है, 4-time IPSC वर्ल्ड चैंपियन थैंक्स टू एरिक ग्राफो, है ना, उन्होंने इसको 4-time IFC वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके गए थे और जीता था। स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं उसके अंदर क्या है, कैलिबर 0.177 4.5 mm ये वाला पैलेट बीबी जिसके अंदर डलते हैं। इसका जो वेलोसिटी है वो 320 फीट पर सेकेंड है, 98 मीटर पर सेकेंड जो है वो है। पावर रेंज है 70 यार्ड, तो आप लगा के चलिए 64 मीटर तक ये इसकी गोलियां जो है जाती हैं, इन्होंने टेस्ट किया होगा, 70 यार्ड 70 गज या 64 मीटर, तो आई थिंक ये फेयरली अच्छा है। मैगजीन कैपेसिटी 18 राउंड है, इसके अंदर आप 18 राउंड लोड कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 राउंड लोड करके रखिए स्प्रिंग की कैपेसिटी के लिए। लेंथ 8.6 इंच या मतलब 218 mm, 8.5 इंच का है ये गन। शूटिंग सिस्टम स्पिनअप, स्पिनअप क्या होता है बेसिकली, जब आप फायर करते हैं तो गोल घूमता ही है और आपका जो बीबी एक्यूरेट हो जाता है, तो काफी अच्छा है। और ये ब्लोबैक गन है तो इसीलिए उसका एफपीएस थोड़ा कम बताया गया, बाकी अच्छा है। ये दिखा देता हूं, ये है गन, बहुत ही शानदार गन। तो जब आप गन खरीदते हैं आप मेक श्योर की बीबी भी खरीदें और CO2 भी खरीदें ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। और एक रामबाण इलाज आपको खरीदना है, दैट इज पेलगन ऑयल। पेलगन ऑयल क्यों खरीदेंगे आप, ताकि इस गन की सीलिंग और जो है रबड़ वगैरह सब एक ग्रेट काम करें, ड्राइनेस ना रहे। CO2 गन क्या होती है, ड्राई कर देती है, तो ये इसे खरीद लीजिए, आपकी गन की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये 1911 का बहुत ही क्लोज टू ओरिजिनल मॉडल है, रेप्लिका है। इसके अंदर बहुत सी चीजें 1911 जैसी हैं, और पहले तो आप देख सकते हैं डिजाइन वगैरह काफी अच्छा है इसका, बहुत रियलिस्टिक मॉडल है ये इसका। ये जो है सेफ्टी भी काम करता है, तो जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये भी लोडेड है, अब मैं इसे यहां डालने लगा हूं और अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर पूरा चला गया। जब ये पुल बैक होता है तो पूरा अंदर चला जाता है, और मैंने इसे जैसे ही रिलीज किया तो अंदर बीबीस लोड हो गए। तो चलिए फिर से फायर करते हैं। मैं जान करके इतने दूर दूर में मार रहा हूं ताकि हमारे पास दिखे कि ये बीबी चल भी रही है। तो दूसरा मैगजीन जो है मैंने खाली कर दिया है, अब एक और बार मैगजीन से मैं फिल करने वाला हूं और फिर आपको दिखाने। तीसरा मैगजीन चलाने लगे हैं, बहुत इजी है, पुश करिए अंदर चला गया, रिलीज करना है ना वॉच। तो हमारा बीबी जो है वो खत्म हो गया, लेस। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 6 माह मैगजीन फायर, इसको डाला, लोड, रिलीज। अब मैं थोड़ा अपर हैंड साइड राइट साइड ऊपर फायर करूंगा। तो जैसे कि आपने देखा गैस निकल गया, दैट वॉज हमारा आखिरी रफली 5-6 मैगजीन बचे हैं हमारे पास। तो हमने 6 मैगजीन फायर किया और हर एक बार जो था 17 राउंड था, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि कितने, जब 85 और 10 मतलब 95 के करीब दिया, तो मौसम गर्मी के ऊपर करता है 80, यू नो अगर आप CO2 वेस्ट नहीं करते हैं रफली 80-90, तो आपको बीबी आराम से थैंकफुल विटनेस देता है। अभी भी गन के अंदर जो है CO2 लोड करके ना रखें, CO2 गन के अंदर अगर आप लोड करके रखेंगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए, और हो सकता है क्या वो खराब हो ही जाएगा। तो जब भी आप इसके अंदर CO2 लोड करें, पूरा फायर कर लें, शूटिंग कर लें, उसके बाद रखें। इसे परचेस कैसे करना है आपको पता है, आपने अगर गन ले लिया है ऑलरेडी तो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, नहीं जिसको पता डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, वहां जाकर के आप गन परचेज कर सकते हैं। हमारे पास CO2 एक्सपेंसिव होती है, सिंगल शॉट के गन भी हैं, प्लास्टिक के गन्स भी हैं,
तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, वो सिर्फ कॉलिंग के लिए, उस पर व्हाट्सएप नहीं होता है, तो उस पर कॉल करिए, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक वर्किंग डेज के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस, टिल देन हैव फन।